गुड इवनिंग एवरीवन। आज वेडनेसडे पॉमिस के साथ हम आए हैं, एक न्यू डॉक्टर के साथ। डॉक्टर अनीता हमारे साथ है, नासिक से है वो, और हमारा टॉपिक है ज्वाइंट पेन्स। ज्वाइंट पेन्स के अलग-अलग रीजन रहते हैं, जैसे गाउट हो गया, अर्थराइटिस हो गया, या कोई ऑटोम्यून हो गया, या फ्रैक्चर, मतलब हंड्रेड ऑफ रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन जिसपे डॉक्टर अनीता हमसे बात करेंगी, वो कारण क्या है? रूमेटिक अर्थराइटिस, आर ए फैक्टर जब पॉजिटिव आता है। तो वेलकम डॉक्टर अनीता। थैंक यू मैम। अरे डॉक्टर संजय हमेशा की तरह हमें ऑपरेट कर रहे हैं। हेलो, नमस्ते। हेलो, गुड नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। इवनिंग जी डॉक्टर अनीता, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक है जी। संजय, वो हो लाइव चल रहा है क्या हमारा? मेरे पास फेसबुक स्लो है, तुम्हारे पास देख लेना। ओके, चलिए मैं देखती यहाँ हूँ। तो फेसबुक लाइव बता रहा है, लाइव है मुर्गी। मेरे ख्याल से हमें भी नहीं दिख रहा है शायद। मोबाइल पे देखो क्या। हाँ जी, आप एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चेक कर लें डॉक्टर संजय, लाइव जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। लगा है, लाइव है, हाँ जी, आप एक बार चेक कर लीजिए। लाइव है। हाँ, ठीक है जी। डॉक्टर अनीता, जी मैम। हम आपसे पहले ये पता करना चाहेंगे कि रूमेटिक अर्थराइटिस होता क्या है। मैम, रेमेटोइड अर्थराइटिस है ना, इसको है ना हिंदी में गठिया भी बोलते हैं और आयुर्वेदिक में अमवत भी बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो शरीर में रक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसमें प्रॉब्लम आता है। उसमें कैसे प्रॉब्लम आता है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है वो जो जीवाणु संक्रमण होते हैं उसको मारते हैं, पर ये प्रतिरक्षा प्रणाली को ये समझ में नहीं आता जिसको डिसऑर्डर होता है कि मेरे अपने कौन है, पराए कौन है, मतलब स्वस्थ कोशिका कौन सी है और जो अतिक्रमण से प्रभावित हुए पेशी वो कौन है, इसमें डिफरेंस नहीं जान पाती। इसके वजह से ये इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक प्रकार है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें जोड़ प्रभावित होते हैं, स्पेशली स्मॉलर जॉइंट्स है ना प्रभावित होते हैं, जैसे कि ये रिस्ट जॉइंट्स है, ये मेटाकार्पल जॉइंट्स है, ये छोटे जॉइंट्स है ना मेनली प्रभावित होते हैं। ओके जी, और इसके सिम्टम्स हमें देखने को क्या मिलते हैं? ये जॉइंट्स तो प्रभावित रहते हैं, इसके बिना ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें, साइंस ऐसे दिखते हैं जिससे हमें अंदाजा लगता है कि ये अर्थराइटिस है? कम से इसके ना मेन है ना 7 लक्षण है, स्पेशली उसमें के 7 में से 4 पॉइंट प्रेजेंट रहता है तो उसके रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे कि मोर देन 3 जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मैं 3 से ज्यादा जोड़ों में पेन होना चाहिए, वो पेन कम से कम 6 वीक्स तक होना चाहिए, 6 वीक्स के ज्यादा हो जाता है तो ये एक लक्षण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। इसमें सूजन आती है, दर्द बहुत रहता है और ये ना जोड़ों में ना स्टिफनेस आती है, मतलब जकड़न होती है। ये जकड़न कम से कम है ना 1 घंटे तक चलनी चाहिए। जैसे कि अभी ये ना पेशेंट है, सुबह को उठा तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटा जकड़न होती है, फिर धीरे धीरे ना कम होती जाती है, जैसे जैसे बॉडी मूवमेंट बढ़ती जाती है वैसे धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर पेशेंट है ना ज्यादा देर तक बैठा रहा एक जगह, फिर जब भी उठता है तभी भी उसको है ना जोड़ों में जकड़न दिखती है, वो बहुत 1 घंटे तक रहती है। फिर है ना इसमें ना जॉइंट्स जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं वो सिमेट्रिकल रहते हैं, मतलब समझो ना ये जॉइंट्स इन्वॉल्व हुआ है, कुछ दिन बाद ये साइड का जॉइंट्स इन्वॉल्व होगा, समझो ये जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है, कुछ दिन बाद ये जॉइंट्स इन्वॉल्व होगा, तो सिमेट्रिकल जॉइंट्स है ना इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। और अगर खून की जाँच की जाए तो उसमें भी ना हमको है ना पता लगता है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है,
जैसे कि सीआरपी लेवल का बढ़ जाता है, और इसमें ना जॉइंट्स पेन में ना बहुत जने पेशेंट में एचबी भी कम रहता है, खून की कमी रहती है, और है ना ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें ईएसआर ज्यादा रहता है, और रूमेटॉइड फैक्टर एक ब्लड की जांच रहती है वो पॉजिटिव होती है, एंटी सीसीपी नामक की एक जांच रहती है खून की वो भी पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा एक्सरे अगर करते हैं तो उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के चेंजेस दिखते हैं। एमआरआई भी की जाती है पर ये कम लोगों में की जाती है क्योंकि अक्सर है ना एक्सरे में चेंजेस दिखाई देता है। मतलब ऐसे ये ये सारे जो ज्यादा जरूरी कारण है वो आपने एक एक करके कि इस तरह से हमें ज्ञात होता है कि ये रिमेटिक अर्थराइटिस हुआ है पेशेंट को। जी ठीक है, मैम। तो इसके कुछ लक्षण तो जैसे हमने जान लिया कि ये लक्षण है, तो कोई कारण भी रहता है कि इस वजह से अर्थराइटिस हुआ है आपको? जैसे आपने बात करी ये ऑटोम्यून है, इट मीन्स के ये तो हमारे साथ ही आ रहा है, तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स या ऐसे कॉजेशन रीजन जिनकी वजह से ये हो रहा हो? अभी तक है ना इसका कारण है ना मालूम नहीं पड़ा है, पर तो भी है ना कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि ना धूम्रपान करना या मोटापा होना, और किसी किसी पेशेंट को आनुवंशिक भी कारण रहता है, किसी पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन के बाद भी शुरू होता है, और कई पेशेंट को अगर डिलीवरी के बाद चालू होता है, किसी पेशेंट को मेनोपॉज होने के बाद या हार्मोनल चेंजेस हो तो भी होता है, और कोई पेशेंट को ठंडे मौसम में चालू होता है जैसे कि विंटर में, या कोई पेशेंट को इन जनरल ठंडे मौसम में या विंटर में चालू होता है, या कोई कोई पेशेंट डैम्प वेदर में भी प्रभावित होता है। अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो उसमें भी ज्यादा पाया जाता है, लो इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट में या पुअर पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है, और मैंने अपने स्टडी में ये देखा है कि जो पेशेंट विडोज है या डाइवोर्सी है वो लेडीज में भी बहुत पाया जाता है, क्योंकि वो मेनली पैसों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है, या खाने पीने के अच्छा नहीं मिलता, डिपेंडेंट होती है, तो उसकी हमेशा कुछ ना कुछ भावनाओं में हर्ट होता रहता है, तो ये अक्सर ये लोगों में ज्यादा पाया जाता है, और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो उसमें भी ज्यादा पाया जाता है, ये ओके, कुछ मतलब कारण है, ऑटोम्यून, ट्रिगरिंग फैक्टर है। ओके मतलब ऑटोम्यून डिजीज है, लेकिन ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, जो भी इंसान की वीकनेस और वीक ट्रिगर पॉइंट आएगा वहां से उसको ट्रिगर मिलेगा, आपका ट्रिगर होता है। हाँ, और भी कुछ होता है कारण तो। जैसे कि मेंसेस ठीक नहीं होना या फिर अधिक तान तनाव होना, स्ट्रेस में रहना, ये भी कारण भी हो सकता है, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है, पर ये मेन कारण ऐसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि मेन कारण अभी तक पता नहीं चला, ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं। ट्रिगरिंग पॉइंट से ही आपको कुछ अंदाजा होता है, और ये भी होता होगा कि एक बार रिकवर हो गया तो वापस भी आ सकता है बॉडी में। एक्चुअली ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, कुछ समय के लिए ना प्रॉब्लम ही कम हो जाता है, फिर वापस भी आ सकता है, जैसे कि अभी हवामान में चेंज हो या कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर आ जाए तो वापस भी बढ़ जाता है, पर ये प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग है, ऐसा ठीक नहीं होता, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, मतलब अगर दवा लेते रहना चाहिए। दवा लेते रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म दवा लेते रहना चाहिए, अगर बीच में मतलब है ना पूरा ठीक है, कुछ कंप्लेंट नहीं है, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं छोड़ने के लिए, अगर फिर वापस से कंप्लेंट से दिखाई देते तो वापस चालू हो जाती है ट्रीटमेंट, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, उसका रेमिशन है ना बहुत कम किया जा सकता है। ओके, तो जो लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो रहना तो साथ ही है इस बीमारी ने, हम इसकी दवा खा क्या खाएं, तो उनके लिए कोई रिस्क फैक्टर या कॉम्प्लिकेशंस भी रहती होंगी? इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हमने ध्यान नहीं दिया तो जो जोड़ रहते हैं उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, स्पेशली उंगलियों में डिफॉर्मिटी आती है, उसमें कई सारे प्रकार है, जैसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी, कभी कभी है ना ये जो इधर का एरिया जो नस से दब जाती है उसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, वो हो जाती है, तो ज्यादा रहा तो उसकी ऑपरेशन की जाती है, और इसका लॉन्ग टर्म अब अगर है ना बहुत साल हो गए हैं तो इसका असर है ना शरीर के बाकी अंग में भी दिखाई देता है, जैसे फेफड़ों में असर होना, लंग्स में, तो उसमें सीने में दर्द रहना, सांस में तकलीफ रहना, हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, हार्ट में जो पेरिकार्डियम रहता है वो इन्वॉल्व होता है, किडनी के ऊपर असर होता है, आंखों में असर होता है, आंखों के जो पतला सफेद भाग है, सफेद हिस्सा है वो पतला हो जाता है, अभी बहुत साल हो गए हैं तो कुछ लोगों को जो मुंह में सलाइवा बनती है वो बंद हो जाती है, तो मुंह ड्राई ड्राई रहता है, आंखों में से टीयर आना बंद हो जाता है, तो आंखें सूखी लगती है, तो
उसके वजह से पेशेंट बहुत परेशान होता है। सीवीडी दिखती है, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मैं कोरोनरी आर्टरी की भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ऑलमोस्ट सभी भागों में इसका असर होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा ट्रीट नहीं किया या बहुत लंबे समय तक ये बीमारी चली तो मतलब अनट्रीटेड अर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, यस इसका मैडम, ट्रीटमेंट चलते रहना चाहिए तब के ताकि ये कंट्रोल में रहे बॉडी के अंदर। ओके, हाँ कंट्रोल में रहे। तो इसके मैनेजमेंट भी कुछ विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब हम एक ट्रीटमेंट करते हैं विद मेडिसिन, एक होता है कि हमने दवा तो देनी ही देनी है, इसके साथ कुछ मैनेज करना है विद एक्सरसाइजेस, डाइट, कुछ और ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ मैनेजमेंट में ना पहला पॉइंट ये कहेंगे कि डाइट है ना अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरीज मिलनी चाहिए, मिनरल्स और विटामिन मिलने चाहिए। जैसे कि ना ये पर्याप्त मात्रा में मिले तो मसल वेस्टिंग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है वो बहुत कम होती है, और खून की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी है तो जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, अंजीर खाएं, फिग जो बोलते हैं तो ये खाएं। बहुत खून की कमी है तो उसकी भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और हल्की फुल्की एक्सरसाइज में बोले तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सब है। और दूसरा ओके, मैनेजमेंट है, अगर है ना अगर अच्छा डाइट में और हम पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि ये ना फ्रेश खाना चाहिए, एरिएटेड फूड्स नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, तो ये भी है। और दूसरे है ना हमें इन जनरल मैनेजमेंट बोले तो फिजिकल मेंटल रेस्ट होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए, नींद अच्छी लगनी चाहिए, और डिफॉर्मिटी जॉइंट्स में आए नहीं तो उसके जो भाग प्रभावित हो रहा है तो उसके स्प्लिंट रहते हैं, तो सुटेबल स्प्लिंट पहनने से क्या होता है वो डिफॉर्मिटी नहीं आती या कम आती है। जैसे समझो उंगलियां टेढ़ी हो रही है तो इसका स्प्लिंट जो रहता है वो पहनने से ना डिफॉर्मिटी जो बढ़ रही है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो जिस भाग में जो प्रभावित तो होता है तो वो उस हिसाब से स्प्लिंट रहे या आ, 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 स्प्लिंट रहे तो वो कंट्रोल में आ जाती है। और दूसरा है कि फिजियोथेरेपी भी लें एक्सरसाइज के साथ साथ, फिजियोथेरेपी तो उसमें भी ना डिसीज ना चेक रहता है। ओके, तो ट्रिगर्स जो रहते हैं, जो हमारे कॉजेशंस में हमने बात करी थी कि ये वाया ट्रिगर्स हमको ज्यादा आता है, तो उसपे भी हम वर्क कर सकते हैं ये मैनेजमेंट के साथ। यस मैडम, यस मैडम। अभी मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस है तो उसको डॉक्टर के दिखा के मेंसेस कैसे सही रहेंगे वो देखना चाहिए। अगर तान तनाव है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे लेंगे वो डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए, या फिर है ना योगा करेंगे, मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे तो उससे भी स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। अगर नींद नहीं आती है समय पे तो वो भी उसमें भी आप मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी नींद अच्छी होने से भी है ना ये कंप्लेंट्स कम की जा सकती है। ओके, तो जैसे हम होम्योपैथ्स हैं, हमारा प्लेटफॉर्म तो होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म है ना, तो हम एज अ होम्योपैथ कुछ मेडिसिन्स अगर शेयर कर ले, व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी दवाइयों का नाम सुन के आप एज इट मत लीजिए, आप नजदीकी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, डॉक्टर अनीता से बात कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारे डियर पर मैसेज कर दीजिए, लेकिन खुद से दवा लेने का जोखिम मत कीजिए, एक डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है। डॉक्टर अनीता प्लीज आप कुछ होम्योपैथी रेमेडीज। में, हाँ होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, पर है ना हम ये मेडिसिन है ना पेशेंट के कंप्लेंट्स के ऊपर देते हैं। कंप्लेंट्स जो है पेशेंट जॉइंट्स पेन है या जो भी लक्षण है कभी कम ज्यादा होती है उसके ऊपर से मेडिसिन अलग अलग होती है। पेशेंट का हम स्वभाव ध्यान में रखते हैं, फिजिकल मेकअप पेशेंट का कैसा है, ये सब स्टडी करके ना हम पेशेंट को दवाई देती है। तो सब पेशेंट को एक ही दवाई लागू नहीं होती, हर पेशेंट को दवाई अलग अलग रहती है। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि फार्मिका रूपा है, कैल्केरिया काब है, पल्सेटिल है, नक्सोमिका है, बहुत सारे मेडिसिन है, पर वो लक्षण के हिसाब से ही हम देते हैं। ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन हम पेशेंट को नहीं देते, स्टडी करने के बाद ही पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं। तो अपने ऐसे मेडिसिन अलग अलग लेंगे तो क्या होता है पेशेंट स्पाइल होके हमारे पास आता है वो ठीक करने में टाइम लग जाता है, तो पेशेंट है ना खुद से दवाई नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने बेहतर बोला कि खुद से दवा मत लीजिए,
और फेसबुक में आप जाता है। देखेंगे कि स्टेटस में बहुत सारे लोगों के ऐसे जॉइंट्स पेन के अलग अलग दवाइयां या ब्रांड्स कंपनी अपना बताती हैं, पर ये ना डॉक्टर के बिना नहीं लें, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो पेशेंट में टेस्ट करके ही देते हैं। अपने मन से लेंगे तो थोड़ा बहुत आराम आएगा, पर केस ना स्पॉइल होगी, फिर जाओगे तो वही प्रॉब्लम ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, या है ना उसका असर है ना बाकी शरीर के अंगों पर भी पड़ा हुआ होगा। तो इसलिए खुद के मन से दवाई बिल्कुल नहीं लें, ये है। आपने बहुत सही बोला है कि दूसरे अंगों पे भी प्रभाव पड़ता है, तो ये सब ना करा जाए तो बेहतर है। और हम अपनी प्रैक्टिस में देखते भी हैं कि लोग दवा लेकर ही आते हैं। जी मैडम, मोस्टली है ना हाँ जो जब माइल्ड पेन रहता है तो पेशेंट है ना अक्सर खुद ही पेन किलर लेता है या फिर इधर उधर से सलाह पूछ के लेता है, उसके बाद ही है ना हमारे पास ब्रोनाजार, आता है जब आराम नहीं मिलता। बिल्कुल सही, ब्रोनाजार ऋतुराज करता बाहर ना, सॉरी 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 सॉरी। ओके। तो डॉक्टर अनीता, आपने जैसे हर छोटा पॉइंट हमसे शेयर करा जी मैम, हाँ है ना, जिस तरह से शेयर करा आपने हर एक छोटा पॉइंट आपने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर और शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे से आपने हमसे शेयर करा, तो मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। बस यही बोलूंगी कि रूमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, हमारे जी साथ मैम, है, हमारे साथ जाती है। जब जी भी ये मैम, हो इसका ट्रीटमेंट करवाते रहना। अनट्रीटेड रूमेटिक अर्थराइटिस लीथल हो सकता है, आपको बड़ी बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। ये अगर शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक बार पकड़ में आ जाए तो ये मत सोचिए कि हम बेहतर हो गए हैं। एवरी 6 मंथ्स पे आप चेक करवाते रहें और डॉक्टर के टच में ही रहें, और एक ही डॉक्टर के टच में रहें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब उनको पता है कि आपको पीछे क्या दवाइयां दी हैं और क्या बेहतर दवाई आपको लगी है, तो लगी ये है। ज्यादा जरूरी है। आजकल तो यस ऑनलाइन मैम, जमाना है, आप अपने अगर दूर भी हो अपने डॉक्टर से तब भी आप वाया कॉल ऑनलाइन आप बोल सकते हो, डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं आपको। यस मैडम, कितना भी पेशेंट दूर हो हम उनके तक मेडिसिन पहुंचा सकते हैं, पर पहुंचा सकते ना हैं, लॉन्ग टर्म तक है ना लेनी चाहिए दवाई। लेनी चाहिए। बिल्कुल संजय, डॉक्टर संजय आपको क्या लगता है कि कुछ आपको लगता है इसमें एड ऑन करा जा सकता है हेलो, हाँ जी? जी आपको लगता है अनीता, वो जो अपने सप्लेंट्स की बात करिए वो बहुत बेहतर थी, कि जिनके ज्वाइंट्स ऐसे खराब होते हैं टेढ़े होते हैं वो सप्लेंट यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हाँ के थ्रू जो बनता है ये हाँ फिजियोथेरेपी के में ऐड करवाया जाता है, वो बहुत अच्छी बात आपने बोली थी। हाँ मैडम, तो उसके वजह से क्या जो डिफॉर्मिटीज रहती है ना उसको कंट्रोल में आता है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें क्या होता है कि अभी है ना बहुत डिफॉर्मिटी हो गई है, अगर हाँ, सर्जरी करने के बाद भी इतना रिलीफ नहीं मिलता नहीं मिलता है उसमें। तो, हाँ तो उसमें शुरुआत से ही ना ध्यान दिया जाएगा तो डिफॉर्मिटी कम होगी, तो उसका है ना पेशेंट को है ना तकलीफ कम सहन करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपने सारे मरीजों को एक्सरसाइज करवाती हूँ, हर ज्वाइंट आपका खुलना हाँ चाहिए बंद होना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ हो ही ना। और स्प्लिन का एक ऐसा फायदा है कि आप रात में पहन के सो सकते हैं और सुबह को निकाल दें तो भी चलेगा, अभी आप चलेगा। 24 आवर्स भी है ना पहन सकते हैं जैसे आपको सही लगे, तो उसका रात भर में नींद आ जाती तो मालूम भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। संजय वैसे आपको कुछ लगता है इम्पोर्टेंट? तो हेलो, यस सर, वैसे तो बहुत अच्छी तरह से समझाया, और मैंने ये पहली बार देखा है कि किसी होम्योपैथ ने इस लेवल तक ये पॉइंट तक एक्सप्लेन किया है कि जो अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट होता है रोमेटिज्म में। बिल्कुल बिल्कुल मैंने खुद में देखा है जो नया नया प्रैक्टिस में था तो, और बहुत बार ये मेरी गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे होम्योपैथ ये गलती करते हैं कि जैसे हम लोग होम्योपैथी देते हैं साथ में कभी कभी बोलते हैं इमरजेंसी के टाइम डॉक्टर साहब कुछ पेन किलर लेना है ना, तो बोल देते कि चलो ले लो, एक बार पेशेंट को पता चला ना ये गोली खाने से मेरा कम होना है 10 मिनट में, तो वो गोली छूटती नहीं है, वो खाते रहेगा चाहे होम्योपैथ को झूठ बोलेगा कि मैं नहीं खा रहा हूँ ये कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बॉडी में चेंजेस आते रहेंगे। जैसे
ये सारा अननोन कॉज हमने एलोपैथी में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, लेकिन जो पूरा फैक्टर है ना, जो मेटाबॉलिज्म, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम्स है, सिलिकेट्स है, तो इसके मेटाबॉलिज्म के वजह से, और ये पूरा लोकोमोटर सिस्टम ही नहीं, तो जहाँ जहाँ कैल्शियम, अगर हमने देखा कि इसका रोल कहाँ है कैल्शियम आयन का, तो जो हमारा मसल है उसके फाइबर्स के अंदर लुब्रिकेशन का काम होता है ना। इसकी मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ेगा तो तुम्हारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे फर्क पड़ेगा। जो शीट्स होती है, जैसे टेंडॉन्स की शीट्स होती है, जहाँ जहाँ पूरा पेरिटोनियम है, पूरा जैसे मैम ने बोला, अनिता मैम ने, कि पेरिकार्डियम है, तुम्हारे लंग की कवरिंग है, तो अगर ये हार्ड हो गई, जैसे तुम्हारे फिंगर्स हार्ड हो गए, हाँ, तो ये ऑर्गन की कवरिंग भी हार्ड हो गई, तो साथ में उसका फंक्शन हेम्पर होना ही होना है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में मेरा पेशेंट, ये पेशेंट एक्सपायर हो गए और बहुत सीरियस हो गया, ये होम्योपैथी की वजह से नहीं, तो ये पेशेंट ने मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं ली, और वो खाता रहा, पेन किलर से आराम मिलता रहा, डिफॉर्मिटी बनती रही, पूरे उंगलियां टेढ़ी हो गई, फिर उसके साथ में पूरा रेस्पिरेशन पे फर्क हो गया, ऑक्सीजनेशन पे फर्क हो गया, हार्ट के फंक्शन पे, क्योंकि हार्ट पंप ही नहीं कर पाता था ब्लड। ये बात जब अनिता ने बोली कि ये सारे, मैं कहीं नहीं सुना कि ये बात बोलते हैं डॉक्टर की, एक्सप्लेन की, सब बोलते हैं रोमेटिज्म रोमोटाइड है तो तुम्हारी ये छोटी उंगली हड्डी बनेगी, गठान बनेगी, लेकिन बाकी के फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। जितने क्रॉनिक फेज में जाएगा उतना ये उतना ही सीरियस बनेगा जितनी अदर डिसीज बनती है। तो हम लोगों ने बहुत सही कह रहे हो आप। केयर के साथ इसको हैंडल करना चाहिए, एंड मोबिलिटी तुम्हारी जॉइंट्स की बनी रहे, सिर्फ मोबिलिटी नहीं तो पूरा फंक्शन, जो कैल्शियम का होना है या फिर तुम्हारा लुब्रिकेशन का काम जो कैल्शियम कर रहा है वो मेंटेन होना है, चाहे किसी भी तरह के डाइट हो, एक्सरसाइज हो। तो ये तो अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, स्प्रिंट लगाते हो, तो थोड़ा सा उसको टाइम मिलता है, सेट नहीं होता है जल्दी से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप संजय। मैडम और मैं बहुत एक अच्छा और लगा। ऐड करना हाँ चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल अनीता अनीता जी का ये जो कहना, ये एक्सप्लेनेशन छोटा जो था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या कहना चाहते हो अनीता, क्या ऐड कर रहे थे और? मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट मैंने ना 40 पेशेंट की स्टडीज की है, तो इनको कम से कम 1 ईयर ट्रीटमेंट लिए है, तो जिनके भी आरए फैक्टर पॉजिटिव आए, कुछ लोगों के कम हो गए हैं और कुछ को नेगेटिव हो गए, और एक्सरे चेंजेस भी है ना, बहुत के इम्प्रूवमेंट दिखी है। बिल्कुल तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के साथ डिफॉर्मिटीज कम होती हैं और आपके बाकी के ऑर्गन्स और भी बढ़ते सबसे बड़ी हैं। बात, ये रोमेटिज्म में तुम्हें ये बहुत ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारा एज भी हाई होना चाहिए, और दूसरी बात, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है वो लो होने चाहिए। जितना ज्यादा देर तक इन्फ्लेमेशन रहेगा उतना ज्यादा डैमेज होने वाला है, जितनी ज्यादा डिफॉर्मिटी होने वाली, बिल्कुल मतलब सीआरपी लो ही रहना चाहिए, तो तुम्हें मेडिसिन उसके लिए लेनी ही लेनी है, अदरवाइज ये विद ठीक नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन सीआरपी डाउन जाता है, हम पेशेंट्स में देखते हैं बिल्कुल बिल्कुल रिकवरी बिल्कुल होती है, पर ये है कि ये किधर के सीआरपी, साथ वापस आता है, लेकिन पेशेंट को वाया काउंसलिंग अगर हम करवाते हैं, मैनेज अगर उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि आपने इस तरह से मैनेज करना है ताकि आपको ट्रिगर ना आए लाइफ लॉन्ग, तो और रिकवरी जाती है। आरए फैक्टर रहे या ना रहे ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन सीआरपी और एचबी
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये बिल्कुल कंडीशन में। और ESR, बेसिकली ESR, ESR CRP लो ही रहने चाहिए। हाँ जी अनीता जी, ठीक हो आप? क्या खांसी हो रही थी आपको मैडम? ओके हाँ, वो बोलते बोलते खांसी आ गई। आपका पॉइंट हमने बढ़ा दिया कि जिस तरह से आप कह रहे थे कि ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, कुछ और आपको लगता हो कि आप ऐड करना जरूरी था जो हमने नहीं पूछा? नहीं मैडम, सब हो गया है, सिर्फ है ना पेशेंट कैसे रिलैक्स रहेगा और ठीक हो जाता है। अगर पेशेंट का पेन कम हो जाता है उसके बाद भी ट्रीटमेंट है ना चालू रखनी चाहिए, कि बिल्कुल उसका क्या फायदा होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो बॉडी में चेंजेस हुए हैं वो धीरे धीरे कम करने में ना मदद होती है। जैसे कि बिल्कुल एक्सरे मैंने बोला तो ये लॉन्ग ट्रीटमेंट के बाद ही पॉसिबल है, पर उसका बहुत स्लो प्रोसीजर है तो पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। मेन उद्देश्य ये है कि पेन है स्टिफनेस वो कैसे कम होए, और उसमें अगर है ना अगर पेशेंट को है ना ये बाकी के अभी RA फैक्टर CRP ये भी कम हो जाते, इसका मतलब ये होगा कि पेशेंट है ना बहुत ही आराम है, बहुत ही उसका तकलीफ कम हो गया है, बहुत बिल्कुल सही कह कम रहे हैं, डिसीज कंट्रोल में आ गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्वेरीज तो हमारी नहीं आ रही हैं, हेलो हाय ही आ रहा है आपके लिए वॉल पर। तो थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और बहुत अच्छे से अर्थराइटिस के बारे में जो जानकारी दी और बारीकी से। इट्स रियली वंडरफुल टू मीट यू। दोबारा थैंक हम यू मैम, आपको कभी फिर से बुलाएंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू मैम, और हम है ना खुश रहेंगे कि और कुछ बोल पाए और दूसरे टॉपिक पे और किसी को लाभ हुए तो बिल्कुल ये। बिल्कुल। जी मैम, जी मैम, टिल देन बाय बाय व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक न्यू डॉक्टर और न्यू टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बाय बाय। बाय बाय मैडम, थैंक यू।